मेरी वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस क्लियर और नॉट? ओके ओके, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में डिविजिबिलिटी में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले आप वो मुझसे पूछ लें। क्लियर स्टूडेंट्स? 5.1 में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मेंटली सॉल्व करना है, ठीक है? मेंटली सॉल्व करके बुक में ही टिक लगाने हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एनी डाउट? डाउट पूछिए आप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिखिए एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, आज है एक्सरसाइज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। लेकिन 5.2 है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप बुक निकाल लीजिए, मैं एक एक आपको अंडरलाइन भी करवाती जा रही हूँ, और ये अंडरलाइन किया हुआ आपको कॉपी में भी, फेयर कॉपी में भी राइट डाउन करना है, ठीक है? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको एक एक समझाती भी जा रही हूँ, अंडरलाइन भी लगवाती जा रही हूँ ताकि आप इसको कॉपी में लिख सकें। फर्स्ट है पेज नंबर निकालिए 53। पेज नंबर 53 निकालिए। पेज नंबर 53। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रियांशी, क्वेश्चन नंबर 10 5.1 का भी मैंने बताया, वर्कआउट मेंटली। आपको ये सारी डिविजिबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है? पूरे रूल के साथ पूरी डिविजिबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये मेंटली आपको प्रिपेयर, आपको कंप्लीट करके, मेंटली आपको कंप्लीट करके इसमें टिक लगाना है, यस और नो? क्लियर प्रियांशी? क्लियर? रफ में करें या फेयर में करें, आपको खुद को करना है। जैसे 2 से बताना है, 4, 3, सारी डिविजिबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको बताना है यस है या नो है डिविजिबिलिटी, मेंटली सॉल्व करना है। क्लियर? अब जल्दी से आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 53। मैं एक एक पढ़ रही हूँ आपको, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट है, एक इंडेक्स के नीचे है, फैक्टर्स और नेम ऑफ फैक्टर्स, इसके जस्ट नीचे देखिए, नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द यूनिक नंबर। नंबर 1 क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, देयरफॉर इट इज ए यूनिक नंबर। इस पर अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? सेकंड है, नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7 हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 हैव ओनली 2 फैक्टर्स,
दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर. प्राइम नंबर में प्रीवियस क्लास में भी जैसे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिविजिबल इटसेल्फ और वन. ठीक है, जो जो किससे डिविजिबल है, खुद की टेबल से डिविजिबल है या वन से डिविजिबल है. क्लियर? yes? जैसे टू थ्री फाइव सेवन. ठीक है, और भी यहाँ पे आप और भी आप आगे एग्जाम्पल दे सकते हैं. क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो केवल वन से डिविजिबल होते हैं या खुद की टेबल से डिविजिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. क्लियर? नंबर्स लाइक फोर सिक्स एट नाइन टेन हैव मोर देन टू फैक्टर्स. दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके कितने फैक्टर हो? टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स. जिसके दो फैक्टर हो उसको, अब फैक्टर्स कैसे आप देख लीजिए, फोर सिक्स एट टेन इस टाइप से, ये क्या है? कंपोजिट नंबर. क्या है? कंपोजिट नंबर. बुक में आप अंडरलाइन लगाते जाना, बोर्ड पे समझते जाना. क्लियर? फोर टू फैक्टर्स कैसे होते हैं? टू टू इंटू टू. सिक्स का टू इंटू थ्री. ठीक है, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री. तो हर डिजिट के दो फैक्टर है, दो फैक्टर है. तो ये है नंबर्स लाइक फोर सिक्स एट नाइन टेन हैव मोर देन टू फैक्टर्स. जिनके क्या फैक्टर हो? कम से कम दो फैक्टर. ठीक है, ये टू इसका, इसके थ्री फैक्टर्स हो गए, टू इंटू टू इंटू टू. ठीक है, फिर है नाइन, नाइन टेन, नाइन टेन. नाइन के क्या फैक्टर हुए? थ्री इंटू थ्री. फाइव का, टेन का फैक्टर हुआ टू इंटू फाइव. ठीक है, मतलब कम से कम टू फैक्टर होने जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर. हाँ यस नेहा, आप क्वेश्चन नंबर टेन रफ कॉपी में कर सकते हैं. ये मेंटली क्वेश्चन है, आप रफ कॉपी में बुक में फिल कर, रफ कॉपी में सॉल्व करके आप बुक में राइट और रॉन्ग का टिक लगा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारी डिविजिबिलिटी हम कर चुके हैं, ये तो उन्होंने एक कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इसको रफ कॉपी में सॉल्व करके बुक में राइट और रॉन्ग का टिक लगा सकते हो. क्लियर? अब है नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है फाइंडिंग द प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू हंड्रेड. वन टू हंड्रेड में से कौन कौन से प्राइम नंबर है? पेज नंबर निकालिए 54. पेज नंबर 54 निकालिए सबने. 53 के टिक कर लिए, 53 का टिक कर लिया होगा. ठीक है, पेज नंबर निकालिए 54. 54 में आपको एक इंडेक्स दिखाई दे रही होगी. ठीक है, एक वन टू हंड्रेड की एक पूरा एक टेबल बनी हुई दिखाई दे रही होगी, वन टू हंड्रेड तक. इसमें जो क्रॉस कर रखा है, जो उन्होंने क्रॉस कर रखा है वो कंपोजिट नंबर है, और जो क्रॉस नहीं कर रखा वो क्या है? प्राइम नंबर. ध्यान से देखिए, अब मैं एक एक रीड करती जा रही हूँ, उसको समझते जाना आप. क्रॉस आउट वन, देखते जाइए. क्रॉस आउट वन, वन इज नॉट प्राइम, वन प्राइम नंबर नहीं होता. वन क्या होता है? ऑड नंबर. ठीक है, इट इज ए यूनिक नंबर. अभी मैंने बताया था वन क्या है, अपने आप में एक यूनिक नंबर है ना, और ऑड नंबर भी है वन. सेकेंड है क्रॉस आउट ऑल मल्टीप्लायर्स ऑफ टू लीविंग द फर्स्ट प्राइम नंबर टू. आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? टू. टू खुद की टेबल से डिविजिबल है या वन की टेबल से? तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? और इवन भी है, स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है. प्राइम नंबर कौन सा? टू. क्लियर? ये अभी आगे आगे से रिपीट होगा. थर्ड है क्रॉस आउट ऑल मल्टीप्लायर्स ऑफ थ्री एक्सेप्ट थ्री, यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री. इसमें आपको ये बताना है ऑल मल्टीप्लायर्स ऑफ थ्री. आप ऊपर इंडेक्स में देखते जाना. ठीक है, केवल आपको समझना है ये क्रॉस आउट ऑल मल्टीप्लायर्स. क्रॉस आउट करने थ्री के जितने भी मल्टीप्लायर्स है कौन कौन से होते हैं? थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन. ठीक है, इनको आपको क्रॉस करना है एक्सेप्ट थ्री. यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री, थ्री की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको यूज करते हुए. क्रॉस आउट द मल्टीप्लायर्स ऑफ फाइव एंड सेवन. फाइव और सेवन के जितने भी मल्टीप्लायर्स हैं लिविंग फाइव एंड सेवन. ठीक है,
फिफ्थ है ऑल क्रॉस्ड आउट नंबर एक्सेप्ट वन आर कंपोजिट नंबर एंड रेस्ट आर प्राइम नंबर. ठीक है, जो क्रॉस किए हुए हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर, और बाकी के सब जो क्रॉस करे हुए नहीं है वो क्या है, प्राइम नंबर. क्लियर, इनको आपको समझना है, लिखना नहीं है, केवल समझना है. फिर है लिखना जो है वो मैं बता रही हूँ, उसके नीचे है फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो लिखने हैं आपको. फर्स्ट है टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अंडरलाइन करते जाइए, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सेकेंड इज टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, अभी ऊपर मैंने बताया था टू स्मॉलेस्ट भी है और टू इवन प्राइम नंबर भी है. ठीक है, फिर है थर्ड है फोर है टू डिजिट नंबर टू बी प्राइम, द पॉसिबल डिजिट इज वन प्लेस आर 1, 3, 7 and 9. फॉर एग्जाम्पल 11, जिनके वंस प्लेस पे ये डिजिट लिखा, कहने का मतलब है जिनके वंस प्लेस पे ये डिजिट लिखा है कौन कौन सा, 1, 3, 7, 9, तो वो कौन से डिजिट है, टू डिजिट नंबर जिनके वंस प्लेस पे ये डिजिट लिखे 1, 3, 7, 9, टू डिजिट नंबर 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये भी क्या है, प्राइम नंबर. क्लियर, फिर आपको करना है ट्विन प्राइम नंबर. यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ पूछना है? टिक करते जा रहे हैं ना. उसके बाद है ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर का अंडरलाइन करिए आप, द प्राइम नंबर विद ए डिफरेंस ऑफ टू, जिसमें टू का डिफरेंस है, डिफरेंस हो, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स. उनको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स. अब एग्जांपल में समझा देती हूँ आपके. और फिर आगे इसमें है देयर इज कंपोजिट नंबर बिटवीन द ट्विन प्राइम नंबर. इन दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, द प्राइम नंबर विथ ए डिफरेंस टू. अब एग्जाम्पल क्या है, 3 and 5. ठीक है, टू का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में टू का डिफरेंस है, 5 में से 3 को माइनस करो 2 आता है, तो ये वही कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू और कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर. देयर इज ए कंपोजिट नंबर बिटवीन देम. अच्छा, इनके बीच में इन दोनों के बीच में क्या आता है, 4, और 4 क्या है, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर, बस ये ध्यान रखना है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो और जो मिड इन दोनों के मिड का जो नंबर हो वो कंपोजिट नंबर होना जरूरी है. क्लियर स्टूडेंट, इन दोनों कोई सा भी एग्जांपल ले लो यही आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर आता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका वन आता है, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं करके समझाऊंगी, 5, 9, 6, 7 है ना, इन सबका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है. फिर है इसके नीचे को प्राइम नंबर आर नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर्स. ठीक है, को प्राइम नंबर समझा रही हूँ मैं. अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. यस नेहा राइट, यस लिपिका, जो 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, सम करने के बाद में जो आंसर आता है वो 3 से पूरा डिविजिबल, मतलब डिवाइड रफ में करके देख लेना, वो पूरा 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिविजिबल है. क्लियर, अब है हमारा को प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर्स में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को ट्विन प्राइम नंबर में कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया, ट्विन प्राइम नंबर. यस प्रियांशी, आपने एक एग्जांपल दिया मुझे, 6 और 8. हाँ ठीक है, 6 और 8 नहीं है.
आपने 6 और 8 के बीच में 7 लिखा है, 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, कंपोजिट नंबर 7 नहीं है, 7 क्या है, प्राइम नंबर, क्लियर प्रियंश जी। अब है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, जैसे 5 और 9, 5 के फैक्टर कुछ होते ही नहीं है, 9 का फैक्टर, 5 का फैक्टर सपोज करो 5 into 1, ये फैक्टर हो गए, और 9 का क्या हो गया, 3 into 3। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, ऑलवेज 1, ठीक है, ऑलवेज 1 आएगा को प्राइम नंबर, उसमें कोई भी कॉमन कॉमन नहीं आता, जैसे 5 का फैक्टर हुआ 5 into 1, 9 का फैक्टर हुआ 3 into 3, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा, जब कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा तो हमारा उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमेशा 1, क्लियर। अब इसमें और टिक करना है आपको, एग्जाम्पल आप टिक कर ही लेंगे, 5 and 9, 6 and 7, ठीक है, एक्सेट्रा, हैव 1 एज ए कॉमन फैक्टर, अंडरलाइन कर लेना, क्लियर। फिर है एग्जाम्पल, फिर है को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर्स, ठीक है, जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर, जरूरी नहीं प्राइम नंबर ही हो को प्राइम नंबर, जैसे 8 and 15 आर प्राइम नंबर नहीं है बट को प्राइम नंबर है, ठीक है, 8 और 15 को प्राइम नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कह रहा है को प्राइम नंबर आर नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर। सेकेंड है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है, जो कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार कंटिन्यू नंबर्स होते हैं, जैसे 8, 9, 102, 103, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड है को प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर बट टू को प्राइम नंबर नीड नॉट बी प्राइम, ये कह रहा है टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑलवेज को प्राइम, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम हो सकते हैं लेकिन को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है वो प्राइम हो, क्लियर है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो प्राइम हो। तो ये तीनों आपको को प्राइम नंबर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको विथ एग्जाम्पल लिखने हैं कॉपी में, समझना भी है, अभी इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, आपको प्राइम नंबर में से कोई डाउट है तो, ठीक है, एक बार और पढ़ के देख लेना, बाकी सिंपल ही है, सिंपल, ठीक है, कॉपी में भी लिखना है इसको और सिंपल है, समझना है, और एक बार और आप रीडिंग कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ अब जरा फटाफट आंसर देते हैं, दोगे आप फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 में दीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, गिव मी आंसर, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं डिजिट लिख देती हूँ, 11, 28, 63, 79, 57, 91, 83, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, छांट के लिखिए। नेहा राइट, आर्यन, नेहा, कुशाल, यस, नेहा, आयुष, दित्या, अभी तक जिसने भी लिखा है, दित्या, आयुष, कौशल, सबका सही है, आर्यन, नव्या, आपने पूछा कि फैक्ट्स अबाउट पूरे लिखने हैं क्या, मैं आपको अंडरलाइन करके सेंड करूंगी, अंडरलाइन करके कॉपी का
पेज सेंड करूंगी पिक्स, तो उस बस उतना ही लिखना है आपको, ठीक है? मैं बुक का सेंड करूंगी आपको व्हाट्सएप में, उतना ही लिखना है, क्लियर नव्या? सबका सही है, भव्या, नव्या, लिपिका, नव्या मल्होत्रा, प्रतीक, नव्या मल्होत्रा, राइट, सबका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या है? 11, 79, 83, ठीक है? देखो ध्यान से, ये तीनों ऐसे हैं जो डिविजिबल है इटसेल्फ और वन, केवल ये 11, 79 और 83, ये तीनों डिजिट हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या वन से, बाकी सभी डिजिट देखिए किसी ना किसी टेबल से डिवाइड होंगे, ठीक है? सेकंड बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बताइए। वन, 97, 81, 67, 93, 41, 87, चलिए बताइए, आप कंपोजिट नंबर बताएंगे। प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, बताइए जल्दी आंसर दीजिए। अभी आप सभी लोग वन लिख रहे हो, ठीक है? अब वन के लिए कॉम्पोजिट नंबर देखो, वन क्या है? वन एक यूनिक नंबर है, ठीक है? वन एक यूनिक नंबर है और ये ऑड नंबर में आता है, ठीक है? ना तो ये प्राइम में आता है, ना ही ये कंपोजिट में आता है, ठीक है? वन ना तो प्राइम नंबर में आता है, ना ही कंपोजिट में आता है। वन किस में आता है? ऑड नंबर में। ये एक वन क्या है? यूनिक नंबर, ध्यान रखना, मैंने आपको कराया था, अभी मैंने रीड भी किया था, वन इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज ए यूनिक नंबर। वन हमेशा क्या है? एक यूनिक नंबर है, ना ये कंपोजिट में आता, ना ये प्राइम नंबर में आता, ये आता है ऑड नंबर, क्लियर? वन हटा दीजिए, आप वन को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? वन हटा दें ऑल स्टूडेंट, बाकी सही है, बाकी सभी का सही है। वन को हटा दें, आंसर होगा 81, 93 और 87, 81, 93, 81, 93 और 87, ठीक है? ये तीनों डिविजिबल है, किसी ना किसी टेबल से डिविजिबल है, और वन नहीं आएगा, वन किस में आता है? ऑड नंबर में, क्लियर स्टूडेंट? यस, दित्या, आंसर सही है, लेकिन वन हटा देना उसमें से, वन हटा देना, वन हमेशा ऑड नंबर में आता है, वन को हटा दीजिए, ठीक है दित्या, क्लियर? दित्या क्लियर है आपको? वन हटा दीजिए बेटा, वन नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा, ओके ओके ओके, दित्या अगर आपने नहीं लिखा, मैंने देखा नहीं आपका, मैंने सोचा सभी ने वन लिखा है, ठीक है बेटा, नहीं लिखा, वेरी गुड, ठीक है? मैंने देखा नहीं ढंग से चैट बॉक्स में आपका कि आपने लिखा कि नहीं, वो तेजी से एक साथ सबके मैसेज आ रहे थे ना, सबके एक साथ आंसर आ रहे थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? नहीं लिखा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? इसका आंसर है 81, 93 और 87। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। वेरी गुड स्टूडेंट, 60 और 70 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो बताइए।
फटाफट आंसर दो, 60 और 60. वेरी गुड कौश अनीश, कौशल, नेहा गलत, नेहा आप रॉन्ग लिख रही हो बेटा, इतने सारे थोड़ी आएंगे, केवल दो ही तो आएंगे, 61 और 67. नेहा आपका रॉन्ग है, सही करो इसको. बाकी सबका सही है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. नेहा आप सही कर लेना, केवल बेटा दो डिजिट आएंगे, 60 और 70 के बीच में पूछा है उसने, 60 और 70 के बीच में, तो क्या आएगा 61 और 67 इज द राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 25. क्वेश्चन नंबर 4 का ए बताना है आपको, वो डिजिट बताना है विच इज, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, बड़े से बड़ा प्राइम नंबर बताना है विच इज लेस देन 25. आपको बड़े से बड़ा बताना है लेकिन वो 25 से कम होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, वो प्राइम नंबर बताना है. चलिए बताइए, बहुत सिंपल है ये तो. वेरी गुड, सभी का सही है, वेरी गुड नव्या, कौशल, नव्या, अनीश, क्या आर्यन, प्रतीक, लिपिका, आयुष, कुशाल, अनीश, नेहा, प्रजापति, आरती, अभिषेक, नेहा, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड, सभी का सही है. देखो ग्रेटेस्ट क्या है, 23, और 23 किससे लेस है, 25 से, तो आंसर क्या आएगा, 23. क्लियर स्टूडेंट्स. अच्छा अब फिफ्थ बताइए, फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 21. फाइव का ए बताइए, इसमें आपको ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है, लीस्ट प्राइम नंबर बताना है विच इज ग्रेटर देन 21, जो 21 से क्या हो, बड़ा हो. लीस्ट, सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर बताना है विच इज ग्रेटर देन 21. बताइए, यस, कौन मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन 5. हाँ क्वेश्चन 5 का डिटेल समझ लीजिए आप. क्वेश्चन 5 का मतलब है आपको बताना है द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट माने छोटा से छोटा प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 21, जो 21 से जस्ट बड़ा हो, 21 से जस्ट बड़ा हो, वो छोटे से छोटा प्राइम नंबर बताना है जो 21 से जस्ट बड़ा हो. 23 इज द राइट आंसर. वो कह रहा है वो, अब 21 से जब हम आगे बढ़ेंगे, 21 से जब हम आगे बढ़ेंगे प्राइम नंबर देखने के लिए, तो उस केस में 21 के बाद में सबसे छोटा प्राइम नंबर 23 आएगा. क्लियर, 23 आएगा तो वो लीस्ट प्राइम नंबर हो गया, और 21 से ग्रेटर भी है. क्लियर, समझ में आ गया. अब टाइम ओवर हो गया है, आपको है ना क्वेश्चन नंबर 9 तक होमवर्क में करना है, बिल्कुल सिंपल है. अगर कुछ नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में. एक्सरसाइज 5.2 आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9. क्लियर स्टूडेंट, एनी डाउट?